बॉक्स खबरों की नई पहचान। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता 20 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। अभिकर्ता अपनी मांगों को लेकर 16 जून से 20 जून तक आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं। इनका मांग है कि कोरोना काल में पूरे देश में 300 से अधिक अभिकर्ता की मौत हुई है, लेकिन LIC प्रबंधक के द्वारा सहायता प्रदान नहीं की जा रही है, जबकि वेलफेयर का लाखों करोड़ रुपए का फंड पड़ा हुआ है। साथ ही अभिकर्ताओं ने मांग किया है कि पेंशन और PF केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया जाए। भारतीय जीवन बीमा निगम से 20 सूत्री मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन पूरे देश भर में हर एक LIC शाखाओं पे चल रहा है। चूंकि कोरोना काल में हमारे जितने भी अभिकर्ता बंधु काल के गाल में समा गए, लगभग पूरे देश में 3000 अभिकर्ताओं की मृत्यु हो गई, लेकिन LIC प्रबंधन ने अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली। यहाँ तक कि LIC का हम पिलर कहे जाने वाले लोग दाने दाने को इस कोरोना में मोहताज है। चूँकि 5 लाख करोड़ से LIC की जो फंड की स्थापना हुई थी, आज लाखों करोड़ हो गई, लेकिन हम लोग की अभिदशा जो है बिल्कुल दयनीय से दयनीय होते जा रही है। हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो पॉलिसी धारक का जो लोन इंटरेस्ट पे जो ब्याज है, लेट फाइन पे जो फीस लग रहा है कोरोना काल में, उस पर उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जितने भी हमारे देश में अभिकर्ता हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं, लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले हम लोग इनका पेंशन और PF का डिमांड रखे हैं। और अगर हम लोग के डिमांड प्रबंधन नहीं मानता है तो यहां से लेके केंद्र सरकार को हम लोग घेरेंगे।